मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तस्लीम मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तस्लीम, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, क्या है ये पूरा मामला? जी, बताना चाहूंगा आपको, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधी को या तो ठोक देती है या फिर जेल भेज देती है। यहाँ पर अपराध पर लगाम कसने के लिए लगातार पूरा प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा से कुछ बदमाश जो है वो रतनपुरी क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जो की लूट कर भाग रहे थे। और जैसे ही पुलिस ने उन लोगों का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने भी आत्म रक्षा के लिए फायर किया। यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। तस्लीम, मुठभेड़ के बाद क्या शहर में कोई दहशत का माहौल है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, दहशत का यहाँ पर कोई माहौल नहीं है। बताना चाहूंगा आपको, ये हरियाणा से जो पिकअप थी उसको लूट कर ये भाग रहे थे, और पुलिस ने जैसे इनका पीछा किया तो यहाँ पर जंगल के रास्ते से होकर गुजरने जंगल के रास्तों में ये मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ के दौरान जो पुलिस ने बदमाश थे दो को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, और बाकी बदमाश फरार हो गए, और फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। जी शुक्रिया तस्लीम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, क्या पूरा मामला है? कल इंस्पेक्टर रतनपुरी को मुठभेड़ खास से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हरियाणा प्रांत से एक बोलेरो पिकअप गाड़ी जिसमें डीजे है ये लूट के ला रहे हैं। इस सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी की गई, 5-6-7 बदमाश थे, उन्हें बरसू नहर पर रोकने का प्रयास किया गया चेकिंग के लिए। उन्होंने जान से मारने के निश्चय पुलिस पार्टी में फायर किए, उसके बाद घेराबंदी करके दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें दो बदमाश घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब 4 बदमाश जैकेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से गोली किसी बुलेटप्रूफ जैकेट होने के कारण गोली बदमाशों की गोली किसी को नहीं लगी। सर, क्या बदमाशों का नाम था और क्या आपराधिक इतिहास बदमाशों का रहा है? एक बदमाश का नाम कयूम है, एक का जावेद है, दोनों ही नावेद है। दोनों ही बदमाश जो है सातिर किस्म के डकैत हैं और जिन पर दर्जनों मुकदमे हैं। सर, जो फरार बदमाश है, क्या उनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? फरार बदमाशों के नाम पते बदमाशों ने बता दिए हैं, उनकी तलाश के लिए टीम रवाना कर दी गई है, शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।